नमस्कार आदाब सताल आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑफलाइन पर ऑफलाइन क्लासेस पर और प्यारे बच्चों आज की सीरीज में जो अपना क्लोक का टॉपिक चल रहा था तो आज की क्लास में हम क्लोक के प्रश्नों को और आगे बढ़ाएंगे और सीखने सिखाने का जो सिलसिला हमने जो शुरू किया था उसी दौर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आ जाइए भाई एक बार सभी को राम राम सभी को जय माता दी, सभी को बहुत सारा प्यार राधे राधे लोकेन्द्र यादव आए हैं जी बहुत अच्छी बात है गजेंद्र जी आए हैं एडवोकेट आशुतोष चौधरी जी आए हैं वेरी गुड इवनिंग सभी को राम राम सभी को नमस्कार भाई सभी को राम राम जय भीम बिल्कुल जय भीम जय भीम जय भारत ठीक है चलिए भाई जुड़ जाइए एक बार और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि हर एक जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच जाए और अपना जो सीखने सिखाने का थोड़ा अलग अंदाज है उस अंदाज को हम आगे तक डिलीवर कर पाए तो कल की क्लास में बच्चे हमने शुरू किया था टॉपिक जिसका नाम क्या था क्लोक ठीक है और क्लोक को एक बार थोड़ा सा थोड़ा सा हम साथ लेके चलते हैं जो हमने कल किया था उसको टॉपिक को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था एक बार जुड़ जाए थोड़ा सा थोड़ा सा जुड़ जाए फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं मैंने आपको टाइप बताए थे क्वेश्चन के टाइप्स बताए थे कि कौन कौन से कौन कौन से क्वेश्चन के टाइप बनते हैं क्लोक से तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन था वो हमने किया था जिसमें अपने को क्या दिया गया हो कोई भी समय दिया गया हो और अपने से क्या पूछा जाए एंगल पूछा जाए ठीक है समय गिवन हो और उस समय पर अपने से एंगल पूछा जाए कि एंगल कितने डिग्री का बनता है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच इस पार्ट को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल के या लास्ट जो अपनी क्लास थी सैटरडे की उस सेशन में कवर किया था तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक ये पार्ट नहीं देखा है ये पार्ट देखो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ठीक है दूसरा जो टाइप बनता है जो आज की क्लास में हम सीखेंगे बिल्कुल इसका उल्टा अब की बार अपने को क्या गिवन होगा बच्चे एंगल गिवन होगा क्या गिवन होगा एंगल गिवन होगा और अपने से पूछेगा क्या अपने से पूछेगा कि ये एंगल जो बनता है ये कितने बजे बनता है मतलब अपने को टाइम बताना होगा तीसरा जो टाइप हमने डिस्कस किया था जो हम आगे चलेंगे या फिर आज ही टाइम बचा तो आज की क्लास में करेंगे इमेज इमेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था कौन-कौन सा बच्चे एक था मिरर इमेज जिसको बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब और एक था वाटर इमेज जिसे बोला जाता है जल प्रतिबिंब ठीक है फिर इसके आगे चलते हैं चौथा जो टाइप था वो बनेगा क्लोक में क्या आ गया एरर आ गया ठीक है क्लोक में क्या आ गया बच्चे एरर आ गया तो एरर बोल दें या फिर फॉल्टी क्लोक बोल दें एरर बोल दें या फिर फॉल्टी क्लोक बोल दें खराब घड़ी बोल दें तो ये अपने चार टाइप थे इन चार टाइप में से एक टाइप अपना कवर हो गया उसके बाद सीरीज में आगे चढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और दूसरा टाइप आज की क्लास में कवर करेंगे ठीक है पार्टी होगी बहुत अच्छी बात है सभी को राम राम सभी को राम राम भाई के पी सिंह यादव है रानी भट्ट रॉय है सचिन नारायण है ठीक है जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं बहुत बढ़िया अमित सर का लाडला बनवारी सक्सेना ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कितने प्यारे प्यारे नाम है आपके इतने प्यारे प्यारे नाम है ठीक है <coughs> आई लव यू टू बेटा राहुल आई लव यू टू ठीक है सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार भाई सभी के लिए आई लव यू ठीक है सारे के सारे बच्चे जो हैं जितना प्यार आप मुझसे कर रहे हो उससे ज्यादा प्यार मैं आप सभी से करता हूं ठीक है चलिए अब शुरू करें सीखने का सिलसिला सीखने का सिलसिला शुरू करें चलिए ये चार टाइप थे ये चार टाइप बनेंगे और कल की क्लास में तीन स्पीड की थी हमने तीन स्पीड की थी बच्चे मिनट की सुई की स्पीड घंटे की सुई की स्पीड और तीनों दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड मिनट की सुई की स्पीड, घंटे की की सुई की स्पीड और रिलेटिव स्पीड यही पर इसी पेज पर हम कवर कर लें जो मिनट हैंड है उसकी स्पीड क्या है बच्चे उसकी स्पीड है डिग्री प्रति मिनट क्या है छे डिग्री प्रति मिनट और घंटे की जो सुई है आवर हैंड जो है उसकी स्पीड क्या है बेटा उसकी स्पीड है आधा डिग्री प्रति मिनट मतलब क्या है एक मिनट में मिनट की सुई छह डिग्री और एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड थी दोनों की क्या थी बच्चे रिलेटिव स्पीड थी जिसको हम सापेक्ष चाल बोलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या थी बेटा दो। दोनों की स्पीड का अंतर था बटे दो। क्योंकि एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच में साढ़े पांच का गैप आएगा यह चीज मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताई थी तो उस क्लास को देख लेना जिसको बेसिक अभी तक नहीं समझ में आया चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन क्या नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं और हम डिस्कस करते हैं अब आज का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा क्वेश्चन कैसा बनेगा देखिए क्वेश्चन है. है बच्चे आपके सामने आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है अपने को बताना क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे होगी जैसे बोल दिया जाए तीन से चार बजे के बीच तीन से चार बजे के बीच तीन से चार बजे के बीच मिनट की सुई मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच घंटे की सुई के बीच मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बोल दे तीस डिग्री का एंगल बोल दिया तीस डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा कितने बजे बनेगा ये अपने से पूछ लिया कितने बजे बनेगा ठीक है ये पूछ लिया तीन से चार बजे के मध्य मिनट हैंड तथा तो आवर हैंड के बीच में तीस डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा बात समझ में आई अपने से क्या पूछा तीस डिग्री का कोण कोण दिया हुआ है ना बिल्कुल दिया हुआ है क्या पूछा कितने बजे समय अपने से पूछा गया कितने बजे बनेगा ये ये जो अपने को दिया गया एक घंटे का गैप ये जो एक घंटे का गैप दिया गया है बच्चे ये हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा जो अपना सेकंड टाइप है कभी भी अपने को एंगल दिया हुआ मिलेगा और टाइम अपने से पूछेगा तो ये अपने को हर बार गिवन होगा एक घंटे का गैप ये एक से दो का हो सकता है दो से तीन तीन से चार चार से पांच पांच से छ ऐसे चलेगा ठीक है तो तीन से चार के बीच तीस डिग्री का कोण पूछा गया तो देखिए एक बार थोड़ा सा घड़ी बना के समझ ले घड़ी बना के समझे भाई तीन से चार के बीच ठीक है ये हमने या तीन से चार के बीच घड़ी बनाएंगे हम एक बार घड़ी बनाएंगे तो एक बार मैं इस पर कितना तीन बजा देता हूं कितना बजा देता हूं बच्चे तीन बजा देता हूं ठीक है ये जो है ये हमने घड़ी बनाई अब साफ दिखाई दे रहा होगा ठीक है ये तीन बजाए घड़ी बनाई हमने यहां पर है बारह ये है छ ये है तीन यह नौ ठीक है फिर उसके बाद चले एक दो फिर चार फिर पांच सात आठ दस और ग्यारह ठीक है भाई घड़ी बना ली हमने और इस घड़ी में कितने से कितने के बीच पूछ रहा है तीन से चार के बीच तो पहला काम करते हैं हम तीन बजा लेते हैं कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये टोटल कितने पार्ट है? पार्ट हैं हैं तो हो मतलब तो होना ही है लेकिन आज जो यूज होगा वो सापेक्ष का भी होगा रिलेटिव स्पीड का यूज होगा ठीक है देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझना जैसे कल आपने बस पांच मिनट का साथ दिया और आपने कहने का मतलब रुके तो रहे एक घंटा तक लेकिन समझने के लिए पांच मिनट का साथ दिया और आपने लाइफ टाइम तक के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लिया था वैसे ही पांच मिनट का साथ अब दे दो पूरी क्लास जो है चुटकियों में क्वेश्चन करते करते निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा ठीक है देखिए तीन से चार के बीच जितने बजे का टाइम अपने को दिया गया हमने उतना ही बजाया तीन से चार बोला गया तो हमने पहले तीन बजाया कितने डिग्री का कोण बनाना है भाई कितने डिग्री का कोण बनाना है तीस डिग्री का कोण बनाना है ठीक है तीस डिग्री का कोण बनाना है तो ऐसे सिचुएशन दो बार आएगी आंसर दो आएंगे क्यों आएंगे दो घंटे की सुई से तीस डिग्री मिनट की सुई ऊपर रहेगी एक आंसर तो यह बनेगा और घंटे की सुई से तीस डिग्री नीचे रहेगी एक ये बनेगा दो चीजें होंगी दो कौन दो आंसर बनेंगे घंटे की सुई से जितने भी डिग्री का कोण बोला गया उतना ही डिग्री घंटे की सुई से ऊपर उतना ही घंटे की सुई से नीचे तो सिचुएशन दो आएगी आंसर दो आएंगे ठीक है अब देखिए यहां पर 30 डिग्री का कोण कब बनेगा लगभग जब मिनट की सुई मिनट की सुई जब लगभग दो पर आ जाएगी तो ये एक पार्ट का गैप बचेगा और एक पार्ट की वैल्यू 30 डिग्री लेकिन इस दौरान इस दौरान घंटे की सुई भी तो चली होगी भाई बिल्कुल चली होगी और इस गैप को मेंटेन करने के लिए इन दोनों की कौन सी स्पीड यूज होगी बच्चे रिलेटिव स्पीड यूज होगी ठीक है देखो यहां पर अपने को समझना मुझे पता है कि एक बार में समझ आएगा ही नहीं एक बार में समझ आएगा ही नहीं मैं खुद बोल रहा हूं तो आपको ध्यान बनाए रखना है ठीक है आप रुके रहना आप ध्यान लगाए रखना आपके दिमाग में सेट करना मेरी गारंटी है ठीक है देखिए तीन से चार के बीच पूछ रहा है और कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है अपने से तीस डिग्री का कोण पूछ रहा है ठीक है अब समय निकालना है क्या निकालना है बच्चे समय निकालना है कि कितने बजे बनेगा और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये चाल ये फॉर्मूला होता है ठीक है अब ये चाल क्या है एक बात बताओ चाल का मतलब क्या है दो तरह की चाल हमने की थी एक तो मिनट की सुई की स्पीड की थी एक घंटे की सुई की स्पीड की थी और एक दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल की थी तो जब ये मिनट की सुई यहां से यहां चलकर आएगी तो मिनट की सुई भी चली एज वेल एज घंटे की सुई भी चली तो दोनों की हम क्या लेंगे रिलेटिव स्पीड लेंगे तो चाल की वैल्यू तो अपने पास आ गई कितनी ग्यारह बटे दो चाल तो रहेगी ग्यारह बटे दो और दूरी क्या है दूरी ये है बेटा जहां पर घंटे की सुई थी उससे जितने डिग्री का कोण बोला गया तो मतलब यहां से मैं तीस डिग्री ऊपर रखूंगा ये सुई कितने पर है नब्बे पर है तो नब्बे से तीस को घटाऊंगा तो ये यहां से चलकर कितना आई है साठ डिग्री चलकर आई है ना तो ये क्या हो गई है मेरी ये हो गई दूरी ठीक है मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री चल के गई है तो घंटे की सुई से जितना एंगल पूछा गया मैंने माइनस कर दिया तो 60 आ गई पहली दूरी और दूसरी दूरी क्या आएगी घंटे की सुई से जितने डिग्री का कोण था वो आगे निकल जाएगी एक ये हो जाएगी तो 190 पर तो ये है पहले ही 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री एक बार इसको 120 डिग्री चल के आना पड़ेगा एक बार इसको नब्बे डिग्री चल के आना पड़ेगा साठ डिग्री चल के आना पड़ेगा बात क्लियर हुई तो दो आंसर आएंगे दो आंसर आएंगे क्या किया यहां पर है घंटे की सुई इसको मान के चलेंगे क्या बेस क्या मान के चलेंगे बेटा बेस मान के चलेंगे क्या मान के चलेंगे बच्चे बेस मान के चलेंगे क्या मान के चलेंगे बेस मान के चलेंगे एक बेस ये था जो बार बार मैं आपको बताता हूं ये बेस तो बेबी को पसंद था ठीक है क्लोक में नहीं आता ये वाला बेस तो बेबी को बेस पसंद है ये वाला बेस नहीं है ये वाला बेस मान के चलेंगे ठीक है भाई तीन पर है घंटे की सुई तीन पार्ट की वैल्यू बेस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री बेस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री पूछा गया कोण कितना है 30 डिग्री का पूछा गया कोण कितना है 30 डिग्री का तो क्या करोगे 30 डिग्री का कोण पूछा गया है तो क्या करोगे एक बार एक बार इसको घटा दोगे और एक बार इसको जोड़ दोगे 90 से एक बार मैं कोण को घटा दूं 90 से 30 गया कितना 60। यही तो बात मैं अभी तक आपको बता रहा था कि मिनट की सुई 60 डिग्री चलकर आएगी और इसको डिवाइड कर देंगे किससे इसकी चाल से चाल कितनी है 11 बटे दो है पहला आंसर आ गया दूसरा आंसर दूसरा आंसर कैसे आएगा फिर से बेस पार्ट की वैल्यू कितनी है नब्बे अब की बार क्या करोगे बेस पार्ट मतलब घंटे की सुई है यहां पर अगला 30 डिग्री का कौन कब बनेगा जब इससे 30 डिग्री आगे निकल जाएगी तो 90 और 30 120 डिग्री मिनट की सुई को चलना पड़ेगा तो इसमें मैंने क्या किया एंगल को प्लस कर दिया तो यहां पर वैल्यू आई कितनी बच्चे एक और इसको भाग कर देंगे किससे ग्यारह बटे 2 से इतना काम करने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन बची इतना काम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची इस दो को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो गया 120 बटे 11 इस दो को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हुआ 120 का डबल 240 बटे 11 आंसर क्या आएगा काटेंगे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11 दाए 110 होता है ना और 10 बचेगा ऊपर और बटे 11 ये मिनट आएंगी कितने बज के तीन बज के कितने बज के तीन बज के अगर एक बार आपने ये मेथड समझ लिया अगर आपने ये मेथड ऐसे ही आज के थंबनेल पे ये नहीं था कि एक नए अंदाज में नया अंदाज है ये बिल्कुल अगर आपने ये मेथड समझ लिया एक बार तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे ठीक है फिर इसको सॉल्व करेंगे 240 को 11 से भाग करेंगे तो 11 दुनी 22, दो बच गया 20, 11 एक ग्यारह कितना बचा नो बटे ग्यारह कितने बज के आएगा ये भी तीन बज के आएगा क्योंकि तीन से चार के बीच पूछा तो आंसर दो आएंगे और ये दोनों के दोनों आंसर अपने को ऑप्शन में मिलेंगे ठीक है दोनों के दोनों आंसर अपने को ऑप्शन में मिलेंगे ठीक है देखो बच्चे फिर से देखो हमने क्या किया एक घंटे का गैप मिलेगा मतलब घंटे की सुई रहेगी तीन पर तीन पर अगर चार से पांच होता तो घंटे की होती चार पर तो चार पार्ट की वैल्यू एक सौ बीस लेके चलते अगर और के बीच में पूछा जाता, तो घंटे की सुई होती पांच पर पांच पार्ट की वैल्यू डेढ़ सौ लेके चलते तो तीन से चार के बीच पूछा गया तो मैंने क्या किया तीन पार्ट की वैल्यू तीन पार्ट की वैल्यू नब्बे डिग्री ली तीन पार्ट की वैल्यू तो नब्बे डिग्री होती है लेकिन लेकिन मुझे मिनट की सुई को 30 डिग्री दूर रखना है घंटे की सुई से तो भाई सीधी सी बात है ये नब्बे पर है इसमें से 30 इधर घटाना पड़ेगा और 30 इधर जोड़ना पड़ेगा तभी तो एंगल बनेगा तो नब्बे में से 30 गया 60 90 में एक सौ बीस नब्बे से तीस गया डिग्री मिनट की सुई चलकर आई तो साठ को हम क्या करेंगे भाग करेंगे भाग करेंगे और फिर तो क्या, क्या करेंगे जो वैल्यू आई उसको इलेवन बाई टू जो आया इसको सोल्व करके सही बटे में तोड़ देंगे ठीक है देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्या किया हमने मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्या किया हमने देखो तीन पार्ट की वैल्यू नब्बे बेस पार्ट लिया बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस और एक बार प्लस बेस पार्ट में देखो मेरे साथ बोलोगे जरा बोलना पड़ेगा मेरे साथ जो क्लास वाले बच्चे हैं वे तो बोल लेंगे ही बोलेंगे ठीक है बोलो जरा बेस पार्ट में बोलो जरा बेस पार्ट में अरे बोलो बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई उसको रिलेटिव स्पीड से भाग और क्वेश्चन खत्म ठीक है आसान सा है बिल्कुल अभी 11 बटे दो हर बार आएगा तो ये दो ऊपर जाके वैल्यू को हर बार डबल करेगा ही करेगा हर बार वैल्यू को डबल करेगा ही करेगा ये दो ऊपर आएगा तो 120 का डबल यहां पर भी हुआ हर बार वैल्यू डबल होगी तो मैं और भी आसान कर सकता हूं लाइन को बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई उसका डबल करके 11 से भाग बेस पार्ट में पूछा गया एंगल प्लस जो वैल्यू आई उसका डबल करके 11 से भाग क्वेश्चन खत्म ठीक है अभी हिलना नहीं है पलक भी नहीं जबका नहीं है देखना जरा पलक भी नहीं जबकानी है आपको देख के चलोगे पलक भी नहीं जबका है ठीक है पलक भी नहीं जबका भाई देख के चलना जरा अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं देखो मैं आपसे बोलता हूं कि पांच से छह के बीच देखते चलना पांच से छह के बीच चालीस डिग्री का कोण पांच से छ के बीच चालीस डिग्री का कोण आंसर कितने आएंगे दो आएंगे आंसर कितने आएंगे बच्चे दो आएंगे पहला आंसर क्या करोगे पहले मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आएगी डबल करके ग्यारह से भाग बोलो जरा बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई डबल किया ग्यारह से भाग बहुत बढ़िया ठीक है तो देखो बेस पार्ट कितना है यहां पर पांच पांच पार्ट की वैल्यू गुना तीस करना पड़ेगा ना एक पार्ट की वैल्यू तीस डिग्री होती है तो पांच पार्ट की वैल्यू एक सौ पचास होगी या नहीं होगी 150 होगी ना एक बेस पार्टी की वैल्यू हो गई 150 150 में से 40 गया कितना 110 150 में से 40 गया 110 और 110 का क्या करना है डबल 220 बटे 11 क्वेश्चन खत्म हो गया देखते रह गए और क्वेश्चन खत्म हो गया फिर से देखो बेस पार्टी की वैल्यू कितनी है डेढ़ डेढ़ 150 में क्या जोड़ोगे 40 को जोड़ोगे 150 और 40 190 का डबल 380 बटे 11 क्वेश्चन खत्म हो गया कितना इजी हो गया देखिए सेकेंडो में क्वेश्चन का आंसर आएगा बस एक बार बस एक बार अपने को क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा तो जिसने समझा होगा वो फटाक से क्वेश्चन का आंसर निकाल देगा तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा ग्यारह से काट दिया ग्यारह दूनी बाईस फिर जीरो और ये बीस मिनट आ गई कितने बज के पांच बज के और अगला आंसर कितना बज के आएगा ये भी पांच बज के आएगा कितना आया ग्यारह से काटा ग्यारह तीय तैंतीस कितना बच गया पांच पचास ग्यारह चौके चवालीस छ बटे ग्यारह ये अपने दो आंसर आ गए कितने आंसर आए दो आंसर आए कितने आए बच्चे दो आंसर आए ठीक है समझ में आई बात समझ में आई या नहीं आई बात समझ में आ गई क्या फिर से देखो बात समझ में आ गई तो फिर से देखो ना समझ में आई तो पक्का देखो लेकिन देखते जाना है देखो जरा यहां पर बोला गया चार से पांच के बीच चार से पांच के बीच साठ डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा पहला और दूसरा आंसवर सीधा जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखनी है बस वो लाइन दिमाग में होनी चाहिए कि बेस पार्ट कितना है अब की बार चार चार पार्ट की वैल्यू कितनी होती है एक सौ बीस तो एक सौ बीस में से साठ गया साठ साठ का डबल एक सौ बीस बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म ठीक है फिर से देखेंगे चार पार्ट की वैल्यू कितनी 120 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 180 का डबल बटे 11 क्वेश्चन बटे ग्यारह क्वेश्चन कितना आसान हो गया कितना आसान हो गया ठीक है क्या आया क्या आया भाई क्या आया ग्यारह से काटा ग्यारह दिको दस और बचे कितने दस बटे ग्यारह कितने बज के चार बज के ठीक एक आंसर तो आ गया ये दूसरा आंसर ग्यारह तीय तैतीस कितना बचा तीन तीस तीस हुआ तो ग्यारह दुनी बाईस आठ बटे ग्यारह कितने बज के ये भी चार बज के आएगा और ये आ गया अपना आंसर ठीक है बच्चे उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको सीखा होगा ठीक है हाँ बहुत ही इजी हो गया बहुत ही इजी हो गया ये इजी था नहीं इजी हमने इसको कर लिया हमने और आपने मिलकर इसको इजी कर लिया ठीक है आपका योगदान और आपकी कंटिन्यूटी जो है इसको इजी कर गई चलिए भाई आगे देखते हैं अब एक बात बताओ मुझे अब क्वेश्चन चाहे कैसा ही पूछ ले एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पर दे दो जरा मैं आपसे बोलूं कि एक से दो के बीच एक से दो के बीच साढ़े तीन डिग्री का कोण बता दो साढ़े तीन डिग्री का अब देखो फॉर्मूला अगर करते ना तो डेसिमल में जाके कही न, कहीं ना कहीं फंस जाते तो देखो अपना मेथड देखो क्या बोलता है एक पार्ट की वैल्यू कितनी है तीस तीस में से साढ़े तीन गया तीस में से साढ़े तीन गया साढ़े छब्बीस और साढ़े छब्बीस का डबल त्रेपन बटे ग्यारह आ गया पहला आंसर और दूसरा आंसर क्या आएगा एक पार्ट की वैल्यू तीस साढ़े तीन कितना हो गया साढ़े तैतीस और साढ़े तेतीस का डबल करें तो सड़सठ सड़। बटे ग्यारह खत्म हो गया ठीक है सही बटे तो बना ही लोगे सही बटे बना ही लोगे चलिए भाई आगे चले।, आगे चले आगे चले आगे चले ठीक है रिपीट कर दूं ठीक है रिपीट कर दूं अभी अभी तो करवाया अगर जो अब आया है ना कैंडिडेट तो जो बेसिक बात थी वो तो निकल गई वो तो मैंने बता दी पांच बजे का टाइम होता है पच्चीस मिनट की क्लास निकल गई तो पच्चीस मिनट का रिकॉल नहीं हो सकता बच्चे ठीक है बस आप अभी दिमाग में यही रखो कि अपने को स्टेटमेंट में ये चीजें गिवन मिलेंगी लिखित में मिलेंगी कि पांच से छ के बीच 40 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा यह पूछ सकता है पांच से छह के बीच 40 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा तो अपने को करना क्या है पांच पार्ट की वैल्यू लेनी है पांच पार्ट की वैल्यू में 40 डिग्री एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है पांच पार्ट की वैल्यू डेढ़ सो डेढ़ सौ में से चालीस गए एक और फिर एक का डबल करके दो बटे ग्यारह और वैसे ही एक बार जोड़ के हो जाएगा चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या बनते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक तो 90 डिग्री एक जीरो डिग्री एक 180 डिग्री 90 एक और 180 डिग्री देखो जरा क्या दिक्कत है 90 डिग्री में कुछ फर्क आएगा क्या 90 डिग्री में क्या दिक्कत आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी फटाफट से देखो जरा दो से तीन के बीच नब्बे डिग्री का कौन पूछ रहा है आपसे तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी है दो पार्ट की वैल्यू कितनी है भाई दो पार्ट की वैल्यू है साठ साठ में से नब्बे को घटाया और 60 में 90 को जोड़ा यही तो काम करना है 60 से 90 को घटाया और 60 में 90 को जोड़ दिया क्या आया 60 में से 90 गया माइनस तीस माइनस तीस आएगा कितना आएगा माइनस तीस आएगा और 60 में 90 को जोड़ा तो कितना आया 9 और 6 पंद्रह एक 15, आया कोई फर्क पड़ा क्या फर्क पड़ेगा यहां पर बस माइनस आया अब देखिए एक टाइमिंग में एक ही टाइमिंग में कितने एंगल बनते हैं दो एंगल बनते हैं एक ही टाइमिंग में कितने एंगल बनते हैं दो एंगल बनते हैं अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो बाहर की तरफ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनेगा बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 330 का बनेगा या नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा 300 30 डिग्री का बनेगा तो इस 30 डिग्री के एंगल को या फिर इस 330 डिग्री के एंगल को मैं ये लिख सकता हूं कि ये कितना है एंगल डिग्री डिग्री है 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 कितना ये है ये एंगल एंगल तो 30 जो आया एंगल कोई भी माइनस में आएगा तो वो कितने से माइनस होगा तीन सौ साठ में से माइनस होगा ठीक है ये बात दिमाग में रखना एंगल जो भी आएगा माइनस में वो तीन सो साठ से माइनस होगा तीन सो साठ से तीस को घटाएंगे तो कितना बचेगा तीन सो 30 बचेगा और फिर इसका डबल और 11 से भाग इसका डबल और 11 से भाग यह चीज रहेगी ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं डेढ़ से भाग नॉर्मल है ना बात बिल्कुल नॉर्मल है बस 90 डिग्री में एक चीज हमने यह सीख ली कि यह जो है माइनस में आए अगर एंगल तो माइनस का मतलब है वो कितने से माइनस होगा 360 से माइनस होगा माइनस का मतलब कितने से माइनस होगा तीन से माइनस होगा ठीक है बात क्लियर हुई बात क्लियर हुई क्या अरे बताओ बात क्लियर हुई क्या ठीक है चलिए देखो दो से तीन आ गया अब एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो फिर तो तीन से चार और बता दो तीन से चार और बता दो कुछ क्या पता नया सीखने को मिल जाए तीन से चार तीन से चार नब्बे डिग्री का कौन तीन से चार 90 डिग्री का कोण आपसे पूछ लिया तो तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 90 तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 90 90 से एक बार 90 को घटाएंगे और 90 में एक बार 90 को जोड़ेंगे यही तो काम करना है एक बार घटाना और एक बार जोड़ना 90 से 90 को घटाया तो कितना आया जीरो अगला प्रोसेस क्या है अगला प्रोसेस क्या है इसका डबल करना है अगला प्रोसेस क्या है इसका डबल करना है और 11 से भाग करना है अगला प्रोसेस क्या है इसको डबल करना है और 11 से भाग करना है तो जीरो का डबल जीरो ही होगा और जीरो बटे ग्यारह जीरो होगा तो ये जीरो जीरो मिनट आ जाएंगी। कितने बज के बज तो के कितने बज के तीन बज के और नब्बे और नब्बे एंगल की वैल्यू अगर बराबर हो, हो तो यहां पर वैल्यू आएगी जीरो और जीरो का डबल जीरो, ही होता है, और जीरो बटे ग्यारह जीरो, जीरो जीरो क्या मिनट आई कितने बज के बेस बज के बात क्लियर हुई यहां पर दो चीजें हमने सीखी अगर बेस पार्ट की वैल्यू छोटी हो जाए और एंगल बड़ा हो जाए तो माइनस में आएगा इनका अंतर इनका जो घटा के जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और माइनस का मतलब क्या होता है 360 से घट से घटके आएगी 360 से घटा के डबल कर देंगे 360 का डबल 330 का डबल 660 और 660 सौ साठ बटे ग्यारह साठ मिनट आ जाएंगी छह सौ साठ बटे ग्यारह जब आएगा तो काटेंगे तो कितनी मिनट आएगी साठ मिनट आएंगे दो बज के आएंगी तो दो बज के साठ मिनट और तीन बज के जीरो मिनट सेम टाइम आया लेकिन ये क्वेश्चन अलग था और वो क्वेश्चन अलग था वो था दो से तीन और ये था तीन से चार एक कॉमन टाइम आया तो मतलब कि एक टाइम घट गया एक रोटेशन इनका घट गया ठीक है दूसरी चीज हमने ये सीखी कि बेस पार्ट की वैल्यू और एंगल की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो जीरो आएगा और जीरो का डबल जीरो होगा और जीरो बटे गा जीरो, जीरो जीरो मिनट आ जाएंगे यहां पर हमने सीखा यहां पर हमने सीखा कि दो से तीन देखिए घड़ी में अगर हम देखें घड़ी में अगर हम देखें और ये हम टाइम बना के चले तो आज तक हम इस समय को क्या देखते आए हैं आज तक इस समय को हम देखते आए हैं तीन बज के जीरो मिनट भाई तीन बजे हैं लेकिन एक और नजरिया है दो बज के साठ मिनट भी तो बोल सकते हैं ना इसको दो बज के साठ मिनट बोल सकते हैं और तीन बजे बोल सकते हैं बात तो एक ही है बात एक ही है तो एक बात बताइए जो काम दो घंटे में एक घंटे में दो बार हो रहा था नब्बे डिग्री जो है नब्बे डिग्री जो है वो एक घंटे में कितनी बार हो रहा था दो बार हो रहा था कितनी बार हो रहा था बेटा दो बार तो बारह घंटे में कितनी बार होना चाहिए बारह गुना तो चौबीस बार होना चाहिए लेकिन चौबीस बार नहीं होता क्यों क्योंकि यहां पर देखिए दो से तीन और तीन से चार दो से तीन दो बार होना था तीन से चार दो बार टोटल चार बार होना था लेकिन ये टाइम सेम आएगा ये टाइम सेम आएगा किस के बीच में दो से तीन और तीन से चार के बीच में तीन बजे का ऐसा टाइम है जो कॉमन आया तीन बजे का ऐसा टाइम है जो कॉमन आया ठीक है तीन बजे का ऐसा टाइम है जो कॉमन आया तो एक बार कम हो गया एक बार कम हुआ तो चौबीस में से एक घटाओ तेईस बार हुआ और फिर एक बार कम कहां पर होगा जब नौ बजे होंगे नौ बजे की सिचुएशन भी तो यही होगी ना ये नब्बे डिग्री का कोण बनकर आएगा और ये नब्बे डिग्री का कोण बन के आएगा तो ये आठ से नो और नौ से दस के बीच का टाइम है ना आठ से नो आठ से नो 9 से दस के बीच का टाइम है जो कॉमन आएगा इसको हम आठ बज के साठ मिनट भी बोल सकते हैं नौ बज के जीरो मिनट भी बोल सकते हैं ठीक है तो एक यहां पर कम हुआ एक यहां पर कम हुआ तो पूरे बारह घंटे के रोटेशन में एक यहां और एक यहां दो बार कम हुआ तो चौबीस की जगह कितनी बार होगा ये काम बाईस बार होगा 24 की जगह कितनी बार होगा 22 बार होगा ठीक है 24 की जगह कितनी बार होगा बाईस बार होगा बात क्लियर हुई नब्बे डिग्री का कोण घंटे में दो बार बनता है तो बारह घंटे में बारह दुनिया चौबीस बार बनना था बाईस बार बना बाईस बार क्यों बना क्योंकि दो से तीन और तीन से चार दो बज के साठ मिनट और तीन बज के जीरो मिनट एक ही कॉमन आंसर आएगा तो एक बार यहां पर घट गया वैसे ही आठ से नौ दो बार आने थे, दो जीरो क्यों? मिनट टाइम आ जाएगा तो एक बार ये यहां पर कम हो जाएगा एक इधर कम हुआ एक इधर कम हुआ, इधर कम हुआ तो ओवरऑल बारह घंटे के रोटेशन में दो बार कम हुआ ना तो चौबीस की जगह कितनी बार हुआ बच्चे के काम बाईस बार एक घंटे में दो बार बारह घंटे में बाईस बार तो चौबीस घंटे में कितनी बार होगा चौबीस घंटे में कितनी बार होगा चवालीस बार होगा ठीक है और चौबीस घंटे को एक दिन लिख सकते हैं एक दिन में कितनी बार चवालीस बार बात क्लियर हुई बात क्लियर हुई चलिए जी बहुत अच्छी बात है ठीक है बात क्लियर हो गई ठीक है ये शक्ति खेल रहे हैं है, शक्ति शक्ति खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात है अपने अंदर की शक्ति को एनर्जी को जगाए रखो अपने अंदर की एनर्जी शक्ति को जगाए रखो बच्चे शक्ति के बिना कुछ है क्या शक्ति के बिना कुछ भी नहीं क्या तुम और क्या हम बिना शक्ति के कुछ भी नहीं निकल जाएगा दम ठीक है तो शक्ति को जगाए रखो नब्बे डिग्री का कोण हो गया ठीक है जी नब्बे डिग्री का कोण हो गया बिल्कुल सही हो गया अब जीरो डिग्री का कोण आ जाए जीरो डिग्री का कोण अब देखिए मेरा क्वेश्चन है आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई नब्बे डिग्री जो होता है ना उसके नाम बताओ क्या क्या होते हैं नब्बे डिग्री के और क्या क्या नाम होते हैं समकोण क्या क्या नाम होते हैं समकोण क्या क्या नाम होते हैं समकोण होना ठीक है और क्या नाम होता है और क्या नाम होता है बच्चे और नाम होता है समकोण की जगह लंबवत होना समकोण की जगह क्या होना लंबवत होना ठीक है लंबवत होना ठीक है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है देखिए ये एक पूरा सर्कल है 360 डिग्री वैल्यू है और ये मिनट कितनी है पूरी अगर मैं 12 से चलूं और मिनट की सुई 12 पर आएगी तो 60 मिनट की वैल्यू 300 साठ डिग्री आई तो एक मिनट की वैल्यू डिग्री आई या नहीं आई बोलो अरे बोलो हाँ या ना एक मिनट की वैल्यू कितनी आई छह डिग्री आई तो एक मिनट की वैल्यू छह डिग्री तो पंद्रह मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी नब्बे डिग्री आ जाएगी तो मिनट की सुई और घंटे की सुई जब तीन बजे होंगे जब घड़ी में तीन बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में गैप कितना होता है गैप कितना होता है पांच दस पंद्रह पंद्रह मिनट का गैप होता है कितनी मिनट का मिनट का तो नब्बे डिग्री का मतलब पंद्रह मिनट का अंतराल भी, भी बोल सकते हैं एक मिनट का अंतराल डिग्री और पंद्रह नब्बे डिग्री ठीक है बात क्लियर हुई बात क्लियर हुई ठीक है भाई अब ये समकोण हो गया लंबवत होना पंद्रह मिनट का अंतराल होना अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन है आपके सामने के एक से एक से छ बजे तक एक से छ बजे तक कितनी बार कितनी बार मिनट की सुई मिनट की सुई तथा मिनट की सुई तथा घंटे की सुई समकोण बनाती है ठीक है मिनट की सुई तथा तो घंटे की सुई समकोण बनाती है ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ठीक है कितनी बार बनाएंगी भाई अपने को पता है कई तो ऐसे कर रहे होंगे एक से दो, दो से तीन तीन से चार चार से पांच पांच से ठीक है छह बजे तक पूछा यहां पर दो बार 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 दो दो चार दो छह दो आठ दो, दो दस बार ठीक है कई तो ऐसे कर रहे होंगे क्वेश्चन कई तो ऐसे कर रहे होंगे ठीक है कई तो ऐसे कर रहे होंगे कि भाई यहां पर एक से दो के बीच ये नब्बे डिग्री दो बार बनेगा दो से तीन के बीच दो बार फिर आगे दो दो बार अरे ऐसे नहीं करना बेटा कैसे करना है एक से लेके छ तक गैप कितना हुआ गैप कितना हुआ पांच घंटे का कितने का गैप हुआ है बच्चे पांच घंटे का और समकोण बनाने का मतलब क्या है नब्बे डिग्री का कोण और नब्बे डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है दो बार एक घंटे में दो बार तो पांच घंटे में पांच गुना दो कितनी दस बार बनेगा या नहीं बनेगा लेकिन गलत होगा पहले ही ऑप्शन में दस बार लिखा हुआ मिलेगा क्यों क्योंकि इस एक से छ के बीच दो से तीन और तीन से चार के बीच का टाइम आएगा ना जो एक बार कॉमन बना होगा तो एक बार कॉमन हुआ तो यहां से एक बार घटा देंगे तो आंसर कितनी बार आएगा बेटा नौ बार ठीक है टाइम्स कितनी बार नौ बार कितनी बार नौ बार, बार? बार ठीक है दस बार नहीं होगा लाडले दस बार नहीं होगा ठीक है नो बार होगा क्यों क्योंकि दो से तीन और तीन से चार का टाइम ऐसा है कि दो बज के साठ मिनट तीन बज के जीरो मिनट आएगी जो सेम टाइम को रिप्रेजेंट करती है जो सेम टाइम को रिप्रेजेंट करती है तो इनमें दो इसके आंसर आने थे दो इसके टोटल चार आंसर आने थे लेकिन एक आंसर सेम आएगा तो तीन आंसर बनेंगे टोटल तो एक बार कम हो जाएगा बात क्लियर हुई अब आ जाता अगर अब आ जाता अगर कि दो से लेके ग्यारह बजे तक दो से लेके ग्यारह बजे तक दो से लेके ग्यारह बजे तक कितनी बार समकोण बनाएंगी गैप कितने कितने घंटे का नौ घंटे का नौ गुना दो करें तो कितना हुआ अठारह अब अपने को यह देखना है कि तीन से चार दो से तीन तीन से चार है क्या दो बजे चलेगा दो बजे घड़ी चलेगी तो दो से तीन और तीन से चार आएगा या नहीं आएगा बिल्कुल आएगा कहां तक चलानी है ग्यारह बजे तक तो आठ से नौ और नौ से दस भी आएगा ना बीच में बिल्कुल आएगा तो एक ये और एक ये दोनों ऑपरेशन यहां पर आए तो दोनों के दोनों टाइम माइनस हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा सोलह बार आंसर कितना आ जाएगा सोलह बार ठीक है <kuh> आंसर कितना आ जाएगा सोलह बार आगे चले भाई आगे चले जीरो देखिए बेहद आसान है सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन है सबसे आसान अगर क्वेश्चन है तो जीरो डिग्री जैसे मैं कहूं कि पांच से छह के बीच जीरो डिग्री का कोण बता दो देखिए हम आंसर कैसे निकालते थे पांच पार्ट की वैल्यू कितनी है सौ पांच पार्ट की वैल्यू डेढ़ सौ पूछा गया कौन एक बार माइनस एक बार प्लस तो जीरो को चाहे माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो वैल्यू कितनी रही होगी डेढ़ सौ ही रहेगी फिर आगे का प्रोसेस क्या करते हैं डबल किया ग्यारह से भाग ठीक है बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई डबल किया ग्यारह से भाग तो सीधी सी बात है जीरो डिग्री के लिए मैं बेस पार्ट की वैल्यू को ही डबल करके ग्यारह से भाग कर दू पांच पार्ट की वैल्यू डेढ़ सौ डेढ़ सौ का डबल तीन सौ बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म हो गया तीन सौ बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म हो गया और काटेंगे तो कितना आएगा ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह दूनी बाईस।, बाईस कितना बचेगा आठ अस्सी ग्यारह सत्ते फिर कितना बचा तीन बटे ग्यारह कितने बज के बच्चे पांच बज के कितने बज के पांच बज के क्वेश्चन खत्म हुआ क्वेश्चन खत्म हुआ अगर मैं आपसे पूछता हूं अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो से तीन के बीच जीरो डिग्री का कोण बता दो तो आप क्या करोगे सीधा सीधा आंसर कैसे दोगे दो पार्ट की वैल्यू कितनी है दो पार्ट की वैल्यू साठ का डबल एक सौ बीस बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म एक बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म ठीक है 120 बटे 11 का मतलब 10 सही 10 बटे 11 कितने बज के दो बज के हो गया फिर से देखो जरा 9 से 10 के बीच 0 डिग्री का कोण? 9 पार्ट की वैल्यू 9 है सत्ताईस दो का डबल 540 बटे 11। क्वेश्चन खत्म आ गया बटे और और इससे आसान क्या अरे और इससे आसान 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 क्या क्या लोगे? लोगे? अरे ये तो तो बता दो बेहद था ठीक है इसको काट तो सकते कितने के? 9 के। हो गया क्वेश्चन जीरो डिग्री के लिए बेस पार्ट की वैल्यू को डबल करके ग्यारह से भाग कर दो क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है

बारह बार बनना चाहिए ना बारह बार बनना चाहिए लेकिन बारह बार न बनके कितनी बार बनेगा ग्यारह बार इसका रीजन क्या है अभी बताऊंगा फिर बारह घंटे में अगर ग्यारह बार हुआ तो चौबीस घंटे में ग्यारह और ग्यारह कितनी बार बाईस बार बन जाएगा बाईस बार बनेगा और चौबीस घंटे का मतलब क्या है एक दिन अब ये एक बार कम कहा हुआ पहले तो ये समझ लो ये है बारह है एक दो तीन यहां पर था ग्यारह यहां पर था दस, जीरो डिग्री का मतलब क्या होता है ये होता है जीरो डिग्री का मतलब ये होता है ठीक है जीरो डिग्री का मतलब ये होता है मतलब कि दोनों सुइयां कोइंसाइड करती हों ओवरलैप करती हों दोनों सुइयां क्या करती हों ओवरलैप करती हों कोइंसाइड करती हों ठीक है ठीक है अब देखो ये जो टाइम है ये टाइम बताओ कितने बजे का है बताना भैया टाइम कितने बजे का है आप कहोगे कि सर ये बारह बज के जीरो मिनट है दिमाग में यही आया होगा लेकिन मैं कहता हूं कि ग्यारह बज के, के साठ मिनट भी हैं। दोनों चीजें हैं या नहीं है दोनों चीजें होंगी ग्यारह बज के साठ मिनट भी है और बारह बज के जीरो मिनट भी है तो ग्यारह से बारह के बीच जो जीरो डिग्री का कोण बनेगा वो क्या बनेगा ग्यारह बज के साठ मिनट 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा ग्यारह बज के साठ मिनट और 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा बारह के जीरो मिनट तो इस घंटे में और इस घंटे में दोनों में आंसर अलग अलग आना था लेकिन एक ही कॉमन आया तो इसलिए ये बारह घंटे में एक बार कम होकर ग्यारह बार बनेगा बात क्लियर हुई ठीक है अब जीरो डिग्री को और क्या क्या लिख सकते हैं तीन सौ साठ डिग्री और क्या लिख सकते हैं मिनट की सुई ने घंटे की सुई को ढक लेना ठीक है ढक लिया और क्या लिख सकते हैं को जिसे हम बोलते हैं संपाती होना ठीक है कोइंसाइड संपाती होना और क्या लिख सकते हैं एक सरल रेखा में एक सरल रेखा में है दोनों की दोनों सुइया एक सरल रेखा में है और इतने से काम चलेगा क्या वह एक ही दिशा में है ठीक है एक ही दिशा में है क्योंकि अगर दिशा विपरीत हो गई तो फिर ये एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा क्यों क्योंकि सिचुएशन सिचुएशन, फिर ये ये हो ये होगी, होगी भी एक सरल रेखा है, लेकिन यहां पर दिशा विपरीत है और दिशा विपरीत है तो एंगल कितना बनेगा फिर 180 डिग्री बनेगा एक सरल रेखा में वह एक ही दिशा में होना जरूरी है ठीक है और क्या सकते हैं मिनट की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई को मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने जा रही है ठीक है या फिर पार कर रही है मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर रही है ये भी लिख सकते हैं बात समझ में आई ये सारी की सारी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें जीरो डिग्री के लिए कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चे जीरो डिग्री के लिए कुछ भी नहीं करना देखिए अपने से अगर बोल दे अपने से बोल दे कि तीन और चार के बीच में जीरो डिग्री का कोण बता दो तो अपने को बस तीन पार्ट की वैल्यू लेनी है घड़ी में एक पार्ट की वैल्यू तीस डिग्री होती है क्यों क्योंकि बारह पार्ट की वैल्यू तीन सौ साठ डिग्री होती है ठीक है तो एक पार्ट की वैल्यू तीस डिग्री तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुना तीस करेंगे तीन गुना तीस नब्बे डिग्री और 90 डिग्री में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस सीधा सीधा इसकी वैल्यू को डबल करके 11 से भाग 180 सौ अस्सी बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म हो गया 180 सौ अस्सी बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है तो ये जीरो डिग्री के नाम हो गए अब 180 सौ अस्सी डिग्री को और कर ले अपना ये टाइप जो है ये खत्म हो जाएगा ठीक है एक डिग्री एक डिग्री को और कर लेते हैं ठीक है भाई चलिए देखो 180 डिग्री है 180 डिग्री है तो क्वेश्चन में पूछा गया चार से पांच के बीच 180 डिग्री का कोण बताओ तरीका वही रहेगा बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई डबल करके 11 से भाग तरीका बिल्कुल सेम रहेगा बेस पार्ट में बेस पार्ट में पूछा गया एंगल एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई डबल किया और ग्यारह से भाग देखो जरा बेस पार्ट कितना है? चार चार पार्ट की वैल्यू एक सौ बीस पहला कैसे निकालते हैं पूछा गया एंगल माइनस और दूसरा आंसर, बेस पार्ट कितना है 120। पूछा गया एंगल प्लस ठीक है जी यहां पर एक में से 180 गया कितना माइनस का 60 आएगा और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल अगर माइनस में आए तो वो कितने से माइनस होगा 360 में से माइनस होगा कितने से माइनस होगा बच्चे 360 से तो 360 से माइनस करके कितना बचेगा 300 बचेगा ठीक है 300 बचेगा और उसका क्या करेंगे डबल और 11 से भाग तो ये कितना आ जाएगा 600 सौ बटे ग्यारह कितना आ जाएगा 600 सौ बटे 11 ठीक है दूसरा आंसर निकालते हैं एक और अस्सी कितना हुआ तीन 120 और अस्सी तीन सौ फिर तीन सौ का डबल और ग्यारह से भाग कितना आएगा छह सौ बटे ग्यारह छह सौ बटे ग्यारह एक बार आपने प्लस किया एक बार आपने माइनस किया क्या ये और ये टाइम बिल्कुल सेम नहीं आया क्या सेम आया है ना देखो 600 सौ बटे ग्यारह घटाने से आया और 600 सौ बटे ग्यारह जोड़ने से आया ठीक है 600 बटे ग्यारह जोड़ने से आया और 600 बटे ग्यारह दोनों ही घटाने और जोड़ने से छह सौ बटे ग्यारह तो मतलब कि सेम आंसर आएगा तो टाइम बिल्कुल सेम आएगा आंसर बिल्कुल सेम आएगा तो चाहे मैं जोड़ लू चाहे मैं घटा लू चाहे मैं जोड़ लू चाहे मैं घटा लू आंसर सेम ग्यारह को जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा ग्यारह गुना पांच पचपन पांच बज गया पचास ग्यारह चौके चवालीस छह बटे ग्यारह कितने बज के आएगा बेटा चार बज के आएगा चार बज के चौवन सही छ बटे ग्यारह तो एक सौ अस्सी डिग्री भी एक घंटे में एक ही बार बन रहा है तो आंसर एक ही आएगा 180 एक सौ अस्सी डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है 180 एक सौ अस्सी डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है बात क्लियर हुई बात क्लियर हो गई तो चाहे मैं घटा लूं चाहे मैं जोड़ लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा 180 पे भी अब मैं काम तो एक ही करूंगा ना भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं दोनों काम करके थोड़ी ना यह सिद्ध करूंगा कि भाई चाहे मैं घटा लूं चाहे मैं जोड़ लूं आंसर एक ही आएगा अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे अब मुझे थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा ये जो फालतू की कैलकुलेशन थी इससे बचना पड़ेगा कैसे बचोगे अगर बेस पार्ट की वैल्यू 180 से कम होती है अगर बेस पार्ट की वैल्यू 180 से कम होती है जो पहले ही कम है उसमें से, क्या? तुम। जो पहले ही कम है से तो उसमें से 180 निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते तो 180 को मिला लो उसमें ठीक है एक को मिला लो तो बेस पार्ट की वैल्यू अगर एक से कम आती है तो एक को जोड़ लो और बेस पार्ट की वैल्यू अगर क्वेश्चन होता सात से आठ के बीच एक सौ अस्सी डिग्री तो सात पार्ट की वैल्यू कितनी होती है सात इक्कीस दो सौ दस अब इसकी वैल्यू एक बात बताओ 180 से ज्यादा है तो इसमें से तो निकाल सकते हैं ना तो इसमें से निकाल दो 180 तो कितना बचेगा 30 का डबल 60 बटे 11 पांच सही पांच बटे 11, कितने बज के सात बज के ठीक है अब मैं दोनों काम नहीं करूंगा काम तो मैं एक ही करूंगा ठीक है काम तो मैं एक ही करूंगा या तो मैं जोड़ूंगा या फिर मैं घटाऊंगा तो एक डिग्री भी अपना हो गया एक डिग्री भी 180 डिग्री जो है 180 डिग्री जो है वो एक घंटे में कितनी बार बना भाई एक बार बना कितनी बार बना एक बार बना तो जो काम एक घंटे में एक बार हो रहा है वो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए 12 बार होना चाहिए लेकिन कितनी बार होगा ग्यारह बार होगा कितनी बार होगा ग्यारह बार होगा और चौबीस घंटे में चौबीस घंटे में कितनी बार होगा घंटे में कितनी बार 11 और 11, 22 बार हो 11 और 11, 22 बार होगा 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 और और चौबीस घंटे को एक दिन लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब यह कम कहां पर हुआ 180 डिग्री का एंगल कहां पर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट छह बजे दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट छह बजे और ये टाइम कितने से कितने के बीच का है पांच से छ और छ से सात पांच से छ और से सात एक बार जो कम हुआ है वो यहां पर कम हुआ है छह बजे के टाइम में इसी को हम पांच बज के साठ मिनट भी बोल सकते हैं इसी को हम छह बज के जीरो मिनट भी बोल सकते हैं इसलिए एक बार कम हुआ कम हुआ तो ओवरऑल ये क्या हुआ बारह घंटे में बारह बार की जगह एक बार कम होकर ग्यारह बार हो गया

लेकिन लेकिन इनकी दिशा अब कैसी है इनकी दिशा कैसी है अपोजिट है विपरीत दिशा में ठीक है विपरीत दिशा में है ठीक है विपरीत दिशा में है ठीक है भाई और क्या लिख सकते हैं एक मिनट की वैल्यू कितनी डिग्री होती है एक मिनट की वैल्यू कितनी डिग्री होती है एक मिनट की वैल्यू छह डिग्री होती है तो 180 डिग्री कितने 30 मिनट की वैल्यू नहीं बनेगी क्या तो इसको मैं 30 मिनट का अंतराल देखो जरा उसमें छह बजे में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने मिनट का अंतराल है कितने मिनट का अंतराल है देख के बता सकते हो ना भाई पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस और सॉरी पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस ठीक है ये फालतू का हो गया पांच दो बार हो गया ठीक है तो ये तीस मिनट का अंतराल हो गया तीस मिनट का, का अंतराल हो गया तीस मिनट का अंतराल हो, हो गया ये सब लिख सकते हैं ठीक है तीस मिनट का गैप लिख सकते हैं तीस मिनट का अंतराल लिख सकते हैं तो भाई दोस्तों देखिए आज की क्लास में हमने पूरा टाइप कवर कर लिया है जिसमें कोई भी अपने को दिया हुआ हो और अपने को समय निकालना हो देखिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल मैं आपको करवा दूं देखिए बिल्कुल पहले पेज से चलते हैं जहां से हमने शुरू किया शुरू में हमने यहां से स्टार्ट किया था क्लोक था इसके टाइप थे टाइम गिवन हो एंगल निकाला जाए एंगल गिवन हो टाइम जो हमने आज कंप्लीट किया है जो हमने क्या किया है बेटा आज कंप्लीट किया है और ये और ये पार्ट जो है ये भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा ठीक है फिर उसके बाद उसके बाद हमने सीखा क्या था इस तरीके से सीखा था अगर कुछ दिमाग में हो तो अपने को स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में मिलती है तीस डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा मतलब कि समय निकालना है जितने डिग्री का कोण है और एक घंटे का गैप है तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया था तीन से चार के बीच तीस डिग्री का कोण तीन से चार के बीच तीस डिग्री का कोण तो हमने क्या किया बेस पार्ट की वैल्यू नब्बे हो गई एक पार्ट की वैल्यू डिग्री होती है एक पार्ट की वैल्यू कितने डिग्री होती है तीस डिग्री होती है तो बेस पार्ट है तीन तीन पार्ट की वैल्यू नब्बे पूछा गया कौन एक बार माइनस एक बार प्लस जो वैल्यू आई डबल किया ग्यारह से भाग ठीक है क्वेश्चन खत्म हो गया था 5 से छ के बीच पांच से छ के बीच चालीस डिग्री का कोण हमने सीधा निकाला पांच पांच पार्ट पार्ट की की वैल्यू वैल्यू कितनी है घटाएंगे तो एक सौ दस एक सौ दस का डबल करेंगे तो कितना दो सौ बीस बटे क्वेश्चन खत्म दूसरा पांच पार्ट की वैल्यू डेढ़ सौ डेढ़ सौ और चालीस कितना हो गया एक सौ नब्बे का डबल तीन सौ अस्सी बटे ग्यारह क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है कुछ भी नहीं था फिर हमने नब्बे डिग्री किया फिर हमने नब्बे डिग्री किया और फिर हमने क्या किया 180 डिग्री किया जीरो डिग्री किया ठीक है तो पांच मिनट में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई मिरर इमेज कैसे बनती है घड़ी की मिरर इमेज टाइम कैसे आता है मिरर इमेज का टाइम कैसे आता है ये देख लो देखिए सीधी सी बात है अगर अपने को कोई भी टाइम गिवन है कोई भी टाइम गिवन है तो हम क्या करेंगे बेटा गिवन टाइम है जैसे ये घड़ी है आपके सामने और मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने बजे हैं तीन बजे हैं कितने बजे हैं भाई तीन बजे हैं गिवन टाइम है अपने पास कितने बजे का तीन बजे का अब अपने को इसकी मिरर इमेज बनानी है मिरर इमेज बनाओगे तो सीधी सी बात है क्या होता है मिरर इमेज का मतलब पलटा मिरर इमेज का मतलब पलटा उल्टा नहीं होता मिरर इमेज का मतलब पलटा और वॉटर इमेज का मतलब उल्टा तो पलटा करोगे तो क्या करोगे ये सुई तो ऐसे ही रहेगी एज इट इज बस ये वाली इधर आ जाएगी कितने पर नौ पर तो तीन बजे हैं तो कितने बज जाएंगे नौ बज जाएंगे तीन बजे हैं तो नौ बज जाएंगे अच्छा फिर नौ और तीन इसका अगर मैं जोड़ कर दूं तो कितना होता है इसका अगर मैं जोड़ कर दूं तो कितना होता है बारह होता है ठीक है ये क्या था अपना गिवन टाइम था रियल टाइम था और ये क्या था मिरर इमेज टाइम था दोनों का जोड़ कितना आया बारह इन दोनों में से अगर कोई एक टाइम गिवन है तो मैं उधर ले जाके गिवन को माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा या नहीं आएगा सौ प्रतिशत आएगा ठीक है तो मिरर इमेज निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है मिरर इमेज टाइम निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है भाई क्या करोगे आप 12 में से 12 में से गिवन टाइम को माइनस कर दोगे ठीक है बारह में से गिवन टाइम को माइनस कर दोगे और ये गिवन टाइम कैसा होगा गिवन टाइम कैसा भी हो सकता है चाहे तो ऑलरेडी मिरर इमेज टाइम दे दे या फिर रियल टाइम दे दे ठीक है देखिए समझते हैं बारह को ध्यान रखेंगे बारह को और हम क्या लिख सकते हैं बारह को हम लिख सकते हैं ग्यारह बज के साठ मिनट कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा और क्या ग्यारह है भैया ठीक है इसको हटाओ क्या है ये ग्यारह बज के साठ मिनट लिख दे बारह बजे लिख दें चौबीस बजे लिख दें या फिर तेईस साठ लिख दें कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बारह बजे को हम चार फॉर्मेट दे सकते हैं बारह बजे ग्यारह बज के साठ मिनट बारह को हम चौबीस लिख सकते हैं और चौबीस को हम तेईस साठ लिख सकते हैं ठीक है अगर अपने पास टाइम आता है अगर अपने पास टाइम आता है देखिए सात बज के पंद्रह मिनट अगर अपने पास टाइम आता है तेईस बजे का अगर अपने पास टाइम आता है अगर अपने पास टाइम आता है उन्नीस बयालीस मिनट और अगर अपने पास टाइम आता है तीन बज के तीन बज के तैतीस मिनट ठीक है अब मुझे यह बता दो कि अपने को करना क्या है अपने को करना क्या है बारह से घटाना है तो यहां पर देखिए मिनट दी गई है तो मैं बारह से नहीं घटाऊंगा यहां पर मुझे मिनट लेनी पड़ेंगे साठ और ये पार्ट अगर 12 से छोटा है तो ग्यारह साठ कर दो ये पार्ट अगर 12 से बड़ा होता तो तेईस साठ कर दो साठ से पंद्रह घटाया कितना 45 ग्यारह से 7 गया कितना चार ये अपना आंसर आ गया ये तेईस है क्या इधर मिनट है क्या नहीं है तो हम भी नहीं लेंगे ये पार्ट 12 से छोटा है तो 12 बजा लो अगर 12 से बड़ा है तो 24 बजा लो 24 से 23 गया कितना एक खत्म हुआ आंसर आया फिर उन्नीस बयालीस है मिनट है तो हम भी मिनट लेंगे ना साठ मिनट लेनी पड़ेगी ग्यारह साठ से काम चलेगा ग्यारह से उन्नीस नहीं घटेगा तो क्या लूंगा मैं तेईस साठ तेईस से उन्नीस गया चार साठ से बयालीस गया कितना अट्ठारह ये अपना आंसर आ गया तीन तैतीस है तीन तैतीस है मिनट दी गई तो हमें भी मिनट लेनी पड़ेगी ग्यारह से काम चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा ग्यारह से तीन गया आठ साठ से तैतीस गया सत्ताइस तो ये अपने क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ठीक है तो भाई इस तरीके से हमने तीन पार्ट को कवर कर लिया है इसकी मिरर इमेज को भी हमने आज की क्लास में कवर कर लिया नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी उसमें हम एरर का पार्ट करेंगे और बड़े ही मजे तरीके से करेंगे तो बने रहिए और जुड़े रहिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच